वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे गेस्ट कॉर्नर में मौजूद है रिक्स एंटरटेनमेंट के दो साथी विंसेंट लॉरेंस एंड विक्टर लॉरेंस। विक्टर को हम सैम कहते हैं, विक्टर को सैम कहते हैं और विंसेंट को हम जेरी कहते हैं। जेरी और सैम के साथ जो है एक और साथी आ चुके हैं इनके, उनका नाम है टिमू। टिमू नाम है ना? जी, मेरा नाम टिमू है। वाओ, देखो बच्चों, आपके लिए खास तौर से टिमू आए हैं यहाँ मिलने के लिए, और रिट्स एंटरटेनमेंट हमें बताएगी कि ये टिमू जो है ये क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं और कितने साल के, सारा कुछ बताएंगे हमें। टिमू कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टिमू, ये आपके बाल, ये बाल? जी, बाल मैंने डाई कराए हैं आज आपके शो पे आने के लिए। हाय अल्लाह, बाल डाई कराए हमारे शो पे आने के लिए, कैसा लग रहा हूँ मैं? वेरी वेरी नाइस, जबरदस्त, बड़े हैंडसम आप। थैंक यू। अच्छा ये बताइए टिमू कि बच्चे जो हमें देख रहे हैं ना, बच्चों को आप क्या कहेंगे? बच्चे बच्चे कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं ना? बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बच्चे कह रहे हैं हेलो, बिल्कुल ठीक है। बच्चों आप कॉल करके टिमू से बात ही कर सकते हैं 09001132 पर। और बच्चों के साथ साथ के बड़ों के लिए भी एक बहुत मेरे ख्याल बहुत अच्छी अच्छी बातें हम जो कर रहे हैं कि सीखा जा सकता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने टैलेंट से, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। रिट्स एंटरटेनमेंट जो है वो पपेट्स के अलावा और क्या क्या काम करती है, थोड़ा सा हमें बताएंगे सैम? क्या पपेट्स के अलावा वी डू जो चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट में है, वी हैव मैजिक शोज, वी हैव क्लाउंस, वी हैव जगलर्स, वी हैव इन्फ्लेटेबल्स और फेस पेंटर्स हैं, काफी चीजें हैं जो एंटरटेनमेंट से रिलेट करती हैं। किड्स एंटरटेनमेंट। और उसके अलावा बड़ों के लिए? उसके अलावा बड़ों के लिए वी डू कॉन्सर्ट्स, लाइक दैट्स अ टोटल डिफरेंट फील्ड। और मैंने सुना है कि जितने भी बड़े लीडिंग आर्टिस्ट हैं, हमारे सिंगर्स हैं, वो आप सबके साथ, आपके साथ काम कर चुके हैं। जी हाँ, लाइक यू नेम एनी आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, माशाल्लाह लाइक ऑलमोस्ट 90% ने तो किया होगा। अच्छा, और लॉरेंस ये इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं आप? मतलब पूरा सा इवेंट आपको दे दिया जाए कि भाई हमारा ये थीम है या हम ये चाहते हैं या आप हमें मशवरा दें क्या करना चाहिए, फिर ये सब आपकी जिम्मेदारी है? देखिए, इवेंट मैनेजमेंट तो अब सबसे आसान काम हो गया। अच्छा, हम इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते, वी डू एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट एक मैं हूँ, मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकता। एक कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी बेशुमार लोगों से अप्रोच करेगी, उनसे वो काम करवाएगी, आउटसोर्स कर देंगे। एंटरटेनमेंट का पोर्शन जो है सारा आप संभाल लेते हैं। इसकी वजह ये देखे ना कि एक एक कंपनी जो है वो 100% आपको हर चीज नहीं दे सकती। अब हम केटरिंग भी हम नहीं कर सकते, या आप एंटरटेनमेंट हमसे करवा लें, या आप हमसे केटरिंग करवा लें, या आप हमसे एम्बियंस करवा लें, मतलब आप हम जो है अपने क्लाइंट को 100% नहीं दे सकते। तो इट इज बेटर कि आप कम काम करें लेकिन ऐसा काम करें कि जो ठीक हो। टिमू बड़े गौर से सुन रहा है हमारी बातें और हंस भी रहा है। टिमू किस बात पे हंसी आ रही है? हंसी तो नहीं आ रही मुझे, तो गौर से सुन रहा हूँ। गौर से सुन रहे हैं, राइट। अच्छा टिमू, इन दोनों में से जो है आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? जो मुझे चला रहा है। सैम ज्यादा परेशान करता है, नॉट ही सैम, है ना? अच्छा, कितने पपेट्स हैं ऑल टुगेदर, क्या कहेंगे? ऑल टुगेदर तो वी हैव होंगे हंड्रेड से ऊपर होगा, हंड्रेड से ऊपर है। अच्छा, क्योंकि एक शो में हम ये नहीं करते कि दो पपेट ले गए या तीन पपेट ले गए और आधे घंटे का या पौने घंटे का शो कर लिया। नॉर्मली व्हाट वी टेक इज नियरली जो मिनिमम साइड में रखते हैं हम, दैट इज 30। अच्छा, ताकि देखें जब ऑडियंस आपके सामने लाइव शो कर रहे होते हैं, बैठी होती है, दे वॉन्ट समथिंग टू लाइक सी क्वालिटी एंटरटेनमेंट बेसिकली। और हर जो कि हमारी नर्सरी राइम होती है उसके पपेट्स अलग हैं। अच्छा। जो स्टोरी है उसके पपेट्स अलग होते हैं, जो सॉन्ग मतलब हम चलाते हैं के साथ जो है वो आप उस हिसाब की एंटरटेनमेंट। और फिर हम हर हिसाब एक्स्ट्रा भी लेके जाते हैं, इसकी वजह होती है कि आपके पास कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ जाती है। अच्छा। जिस तरह अभी आप थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे एक गाने का कि जी वो गाना आप करते हैं, हालांकि वो प्लान नहीं होता, उस स्टोरी का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन यू शुड कीप सम एक्स्ट्रा। ये मेरा ख्याल है कि एक कोई ऑफेंडेड फील ना करे ऐसे कि उसके पपेट्स बनते हैं, मेरे ख्याल एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि वो इतने मशहूर होते हैं कि उनके पपेट्स बनाए जाते हैं। हमारा जुनून एक ग्रुप हुआ करता था, अब तो बेचारा टूट गया। उसमें जो अली अजमत और तमाम तर होते थे, साथी होते थे उनके, तो उनका मैंने आपको एक सॉन्ग देखा था, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, इतना मजेदार था, इतना मजेदार था। आपने क्या उनके पपेट्स बनाए थे, बिल्कुल लग रहे थे कि वही जो है ना आके वो अजमत और अली अजमत सब बजा रहे हैं और गा रहे हैं, और क्या उनकी हरकतें होती थी,
میں نے بڑا انجوائے کیا تھا. اور جب جب میں نے رٹز تھیٹر کی کوئی بھی انٹرٹینمنٹ دیکھی ہے مجھے میں نے بہت انجوائے کیا, کیونکہ ان لوگوں کی ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ کوالٹی سے انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اب رٹز تھیٹر جو ہے رٹز انٹرٹینمنٹ کیسا کام کرتی ہے اور وہ جذبہ جنون جو ہے اس کا بھی تھوڑا سا کلپس دکھائیے گا ڈائریکٹر صاحب, میں دیکھنا چاہ رہی ہوں اور سب کو دکھانا چاہ رہی ہوں. بہت مزیدار سا کام ہے, آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیکھا کتنا مزیدار سے کریکٹرز تھے اور اتنا مزیدار سے پرفارم کیا تھا لائف کا, آپ دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے اور ہر دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ جب میں رٹز کا کام دیکھوں تو میں اس جانے کی ضرور فرمائش کروں کہ جذبہ جنون ضرور ہمیں دکھائیں. اچھا یہ کیا رسپانس کیا آتا ہے؟ ایک بات بتاؤں, میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ مل کے گاؤں اور ڈانس کروں. آپ ابھی کر لیں, گانا نہیں چل رہا نا. گانا نہیں چل رہا, کوئی بات نہیں, ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اگر ٹائم ملا تو گانا سنائیں گے کسی اچھے سے سنگر کا, آتے پسند وغیرہ پہ ان پہ آپ ڈانس کیجیے. ٹھیک ہے, اوکے. کون پسند ہے ویسے تمو آپ کو, سنگر کون پسند ہے؟ علی ظفر. علی ظفر کا کون سا سانگ پسند ہے؟ سچنیا. او میں نے کہا شاید چھنو آپ بتائیں گے تو اس میں پھر اس میں بڑا ایک مزیدار سا پاپٹ بن سکتا ہے. ایک اور بھی ذکر کریں گے, وہ ناراض نہ ہو جائیں گا. نہیں بنا لیں گے, وہ ناراض بھی نہیں ہوگا. ناراض تو نہیں ہوتے نا, اس طرح سے پپٹس بناتے ہیں. علی ظفر بالکل بھی نہیں ہوگا. علی ظفر نہیں ہوتا. علی ظفر کے ساتھ ہمارے ایک اور بہت اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں, اس میں ان کے بھی آپ بنا سکتے ہیں. وہ کون؟ ہمارے اسٹائل گرو ہوتے ہیں اس میں. اچھا, ہم بھی اس بات کر رہے ہیں رٹز انٹرٹینمنٹ سے. رٹز انٹرٹینمنٹ کے دو ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیم اینڈ لارنس جیری, اور ساتھ میں چمبو بھی موجود ہے اور ساتھ میں بھی ہوں, اور میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے ننے منے بہت سارے ساتھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ان تمام ساتھیوں کو بولیں گے کہ تھوڑی سی دیر میں واپس آتے ہیں کیونکہ ایک اور بریک آ گئی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کریں گے بہت سی مزیدار سی باتیں, اور صرف بچوں کے لیے نہیں کرتے ہیں, پپیٹری بڑوں کے لیے بھی کرتے ہیں, اور بڑے مزے مزے کے اسکٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ, اور بھی جو جو کام ہے وہ سب جانیں گے ہم, لیکن بریک کے بعد.